प्रिंसों की बड़ी खबर के साथ बलिया से आ रही है, जहां निषाद पार्टी प्रत्याशी से झड़प हुई है। केतकी सिंह और विपक्षी समर्थकों में झड़प हुई है। झड़प के दौरान लात घूसे भी यहां पर चले हैं। तो बासनी विधानसभा के असेगा गांव की पूरी घटना, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बलिया में निषाद पार्टी की प्रत्याशी से झड़प हुई है। केतकी सिंह और विपक्षी समर्थकों में झड़प हुई है और झड़प के दौरान जमकर लात घूसे भी चले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ स्टेट पर, ये तस्वीरें उस दौरान की तस्वीरें जब केतकी सिंह और विपक्षी समर्थकों में झड़प हुई है और इस दौरान एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी के अलावा लात घूसे चलने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज छठे चरण से जुड़ी हुई। और बलिया जहां पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं, बलिया नगर, फेफना, बैरिया, बांसडीह, सिकंदरपुर और बेलथा रोड और रस, ये तमाम सीटें हैं यहां पर। और यहां के सियासी समीकरण भी काफ़ी अहम देखे जाते हैं और एक तरह से कहा जाता है कि यहां पर हर बार इस तरह के हालात होते हैं कि सियासी समीकरण यहां पर बदलते हैं और ये ज़रूरी नहीं होता कि जो मौजूदा स्थिति है अगली बार के चुनाव में भी वही स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। और ऐसे में ये बांसडीह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर हंगामा होते हुए आप देख सकते हैं केतकी सिंह जो कि यहाँ से निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके ऊपर हमले की खबर बताई जा रही है। न्यूज़ स्टेट सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है और हंगामा किस तरह से यहाँ पर हो रहा है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आपको पहुँचा रहा है, दिखा रहा है किस तरह की स्थिति यहाँ पर मारपिटाई की बनी हुई है। हालाँकि लोग जो है बीच बचाव कराते हुए भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें राम गोविंद चौधरी जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और केतकी सिंह और विपक्षी समर्थकों के बीच हाथापाई की तस्वीरें। तो बड़ी सीट ये मानी जाती है शफान, राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और अखिलेश यादव के काफी खास माने जाते हैं और वहां पर एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी केतकी सिंह और उनके समर्थकों के साथ ये झड़प हुई है। हमारे साथ आदित्य हमारे सहयोगी इस वक्त बलिया से जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या अपडेट है आपके पास? जी, देखा जा कि बापनी विधानसभा क्षेत्र के गांव में जहां ये झड़प हुई है, देखा जा रहा है कि कुछ विपक्षी दल के लोग हैं और जो प्रत्याशी निषाद पार्टी बापनी विधानसभा से संयुक्त प्रत्याशी एक भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की, उनके पास झड़प हुई है। लोगों की लात घूसे भी चले हैं, देखा जा रहा है कैसे भी एक लोग का कवादर पकड़ते हुए देखी जा रही है। मामले में फिलहाल कैसे भी मामले को बंद कराया गया है, लेकिन वहां पे हुई जी पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। पुलिस मामले को संज्ञान में लिया है, अभी कार्रवाई की कोई बात किसी ऑफिशियल रूप से नहीं कही गई है जी। तो क्या किसी को हिरासत में लेने की बात भी है या कोई नाम सामने आया है कि कौन कौन लोग हंगामा करते हुए यहाँ पर देखे गए? फिलहाल पुलिस मामले तो कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई की जानकारी होगी हम चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे जी। तो तस्वीरें हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें, यहाँ पर हंगामा किस तरह से होता हुआ देखा जा सकता है। केतकी सिंह और विपक्षी समर्थकों के बीच हाथापाई का वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता देखा जा सकता है, लेकिन न्यूज़ स्ट्रीट ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन में हंगामा होते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तैयारियां यहाँ पर की जाती है, लेकिन बहुत सी जगहों पर इस तरह की हंगामे की तस्वीर पिछले के चुनावों के फेज में भी देखने को मिली है और आज छठे चरण का मतदान जारी है। और इस बीच बलिया की बांसडीह सीट से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहाँ पर एक गांव में किस तरह से हंगामा हुआ है और यहाँ पर निषाद पार्टी के और बाकी के जो विपक्षी चेहरे हैं या प्रत्याशी हैं उनके दौरान यहाँ पर मारपीट देखी जा सकती है और ये वीडियो मोबाइल फोन के जरिए रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज़ स्टेट एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले पर जैसे कि हमारे संवाददाता आदित्य बता रहे थे कि कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी कार्रवाई की जाए और कुछ लोगों को या तो हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन अभी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की कोई खबर नहीं मिल रही है। बलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निषाद पार्टी के प्रत्याशियों के साथ झड़प हुई है। उस बीच